किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश हमेशा अंतिम सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चल रहे हैं छतरपुर के महल में, आपको ऐतिहासिक छतरपुर का महल दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं, मेरे साथ चलिएगा छतरपुर के ऐतिहासिक महल में। नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस समय हम सामने खड़े हुए हैं छतरपुर के महल, आप देखो कितना सुंदर सामने हमारे महल दिखाई दे रहा है। और रोड चल रही है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाहन निकल रहे हैं, और हम खड़े हुए हैं छतरपुर के महल में। दोस्तों यह महल बहुत पुरानी गाथा गाता है, आपको बताना चाहते हैं छतरपुर का जन्म हुआ तब 1785 से 1816 तक राजा श्री कुंवर सोने साहजू का शासन रहा। उनके बाद 1816 से 1854 तक राजा श्री प्रताप सिंह जू का शासन रहा। 1854 से 1867 तक राजा श्री जगत सिंह जू का शासन रहा। 1867 से 1895 तक राजा श्री विश्वनाथ सिंह जू का छतरपुर में शासन रहा। विश्वनाथ जू के बाद 1895 से 1932 तक राजा श्री विश्वनाथ सिंह जू का शासन रहा। ठीक उसके बाद 1932 से 1947 जो हमारे छतरपुर के अंतिम राजा हुए, महाराजा भवानी सिंह जूदेव का शासन रहा। हम आपको इस महल में उनकी सभी राजाओं की तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप देखिएगा, सामने महल खड़ा हुआ है और हम उसको निहार रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे छतरपुर का महल, राजा जो रजवाड़े हमारे छतरपुर के हो चुके हैं उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, कैसा उनका दरबार रहा है, कैसी उनकी महल रही है, किस प्रकार वो उन्होंने छतरपुर का महल बनवाया है, कौन कौन से भगवान उन्होंने इस महल के अंदर विराजित किए हैं। तो चलते हैं, मेरे साथ चलिएगा छतरपुर का महल देखते हैं। दोस्तों ठीक हम सामने महल के खड़े हुए हैं, आप देखिएगा नीचे से ऊपर तक हमारा छतरपुर का महल कैसा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप देखिएगा दरवाजे के अंदर जो बरामदा नुमा है, इसके अंदर एक तरफ सेम दूसरी तरफ स्थान छूटा हुआ एक कमरे नुमा है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है। दोस्तों यह महल के दरवाजे पर यह कमरे नुमा बना हुआ है, यहाँ पर किसी समय पर दरबारी पहरा दिया करते थे और रात्रि कालीन में ठंड के मौसम में यहाँ पर रुकते थे, इसलिए यह कमरा नुमा यह स्थान छूटा हुआ है। दोस्तों अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं महल के, देखिए यह गैलरी। दोस्तों देखिए कितना सुंदर यह हॉल, कितना बड़ा हॉल। हम इस समय छतरपुर के महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, कितना विशाल ये झरों के चारों तरफ है, कितना सुंदर, कितनी ऊंची दीवारें, 50-50 फिट की इतनी मोटी और बड़ी बड़ी दीवारें जो सफ़ेद कलर की हैं, कितना बड़ा मैदान यह हॉल, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों यह वही हॉल है जहाँ पर छतरपुर के महाराजा अपना दरबार लगाते थे, और इन झरोकों से जो महल की नारियाँ होती थी, स्त्रियाँ होती थीं, उस दरबार को देखा करती थीं कि दरबार में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आपको हम चारों तरफ से यह हॉल दिखा रहे हैं जहाँ पर राजा साहब अपना दरबार लगाते थे और दरबारी दरबार देखते थे, कितना बड़ा। सामने आप एक देख रहे, एक और दरवाज़ा है, यह हम और अंदर प्रवेश करेंगे इसके महल के दरवाजे से, आप देखें कितना सुंदर, कितना विशाल, कितनी भव्यता है इस दरबार में। दोस्तों हम अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए सामने आंगन में यह गंगा जी की मूर्ति है, ठीक ऊपर आपको एक छोंकर का पेड़ लगा हुआ है, और आप देखिएगा यह सुंदर महल ऊपर की तरफ, आप देखिए कितनी सुंदर गुंबद है, अशोक का पेड़ लगा हुआ है आंगन में, और आपको दिखा रहे हैं कितनी सुंदर ये सीढ़ियां हैं। हम इसी दरवाजे से अंदर प्रवेश हुए हैं, आप देखिए इसी आंगन में सामने राम जानकी का मंदिर है, हम आपको राम जानकी के दर्शन करा रहे हैं, राम जानकी का दरवाजा कितना सुंदर, कितना आकर्षक है। दोस्तों सामने विराजे हुए हैं राम जानकी, कितनी सुंदर मूर्ति, और हमारे राज दरबार के भगवान के चरणों में साष्टांग नमन, आप देखिए कितना सुंदर, चारों तरफ ऊपर की ओर फोटोएं लगी हुई हैं और बीच में विराजे हैं राम जानकी। आहा कितना अच्छा दिन है, आज भगवान के दर्शन हो गए। दोस्तों हम बाहर की ओर बारामदे में आए हुए हैं, आप देखिए सामने कितनी सुंदर
फोटो तस्वीर लगी हुई है छतरपुर के राजाओं की। आप देखिए कितना सुंदर यह दृश्य। आज हमको पहली बार छतरपुर के महल के अंदर प्रवेश हुए हैं और आपको भी साथ में ले चले हैं। आप देखिए यह सुंदर मूर्तियां, और ठीक सामने आपको दिखा रहे छतरपुर के अंतिम शासक सामने लिखा हुआ है भवानी सुंजीव दो महाराज, जिनकी फोटो लगी हुई है, और यह गंगा मैया की फोटो लगी हुई है। और कितना सुंदर यह ऐतिहासिक स्थल छतरपुर का। देखिएगा हम आंगन में आपको ऊपर की ओर सारे ये गुंबद है जो इतना विशाल जो हमारे महल को की छटा बिखेर रहे हैं। यह सुंदर सीढ़ियां जिससे हम ऊपर की ओर आए हुए हैं दोस्तों, आपको यहां की चप्पे चप्पे से आपको घुमा रहे हैं। छतरपुर का महल आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहे हैं, आपको सामने दिखा रहे हैं कितना सुंदर यह उस समय का करीबन 200-300 साल पुराना यह खम्मा जो ऊपर के हॉल में लगा हुआ है। आप देखिए कितने सुंदर लकड़ी के घोड़े, कितनी सुंदर उसमें नक्काशी की गई हुई, खुदाई की गई लकड़ी के ऊपर की, वो लकड़ी की यह करी टाइप नुमा दूसरा खम्मा आपको दिखा रहे हैं। हॉल, ये हॉल महल की प्रथम तल का है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर भी बोल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर यह हॉल, यहाँ पर कितना अच्छा यह ऊपर की वो घोड़े नुमा यह जो यहाँ के ऊपर के जो लेंटर बोलते हैं जिसकी छत को वजन लिए हुए हैं दोस्तों। पहले के समय बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए जब भी महल वगैरह बनाए जाते थे तो उनमें खिड़कियों का विशेष ध्यान रखा जाता था क्योंकि प्रकाश के लिए। देखिए कितनी सुंदर खिड़कियाँ, ये दोस्तों खिड़की वही हैं जिनको हमने उस हॉल में जहाँ पर दरबार लगता था वहाँ से आपको दिखाए थे। हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सुंदर इस महल की खिड़कियाँ, जिससे रात्रि कालीन तो मैं तो दीपक से उजाला होता था लेकिन दिन के समय सूर्य का प्रकाश आसानी से महल में बिखरा रहे। आपको दोस्तों दिखा रहे हैं वही हॉल, हम ऊपर की ओर हैं। आप देखिएगा हम खिड़की से आपको नीचे का हॉल दिखा रहे हैं जो हमने दरबार का देखा था। कितना सुंदर, कितनी विशालता यह दरबार लिए हुए, यह हॉल लिए हुए हैं। उस समय का हॉल आप देखिएगा दोस्तों कितना विशाल, आज तक आपने हो सकता है इस समय पर इतना बड़ा हॉल नहीं देखा होगा लेकिन उस समय के कारीगर के बारे में आप सोच सकते हैं और यह देख करके दांतों तले उंगली दबा सकते हैं कितनी बड़ी इस यहाँ पर इंजीनियर आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा हॉल, सामने यह आपको रोशनदान जहाँ से मैंने बताया है पहले ही आपको कि यहाँ की रानियाँ रात दरबार को देखा करती थी। दोस्तों हम बाहर की ओर आए हुए, कितना सुंदर यह है आंगन ऊपर की ओर है। और यह देखिए दोस्तों आपको एक और विशेषता बता रहे हैं कि आज भी इन दीवारों पर उस समय के कलर रंग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हरे टाइप के दिखाई दे रहे हैं। यह सुंदर खिड़कियाँ और यह घोड़े नुमा जो छज्जा को अपना वजन बैठे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर यह गुंबद। दोस्तों आपको एक और बात ध्यान दिलाना चाहते हैं, यह कितना सुंदर गुंबद, यह हम इस समय पर पहले फ्लोर पर खड़े हुए हैं। यह सीढ़ियाँ हमको और ऊपर की ओर ले जा रही हैं, हम और ऊपर की ओर जा रहे हैं और आपको ले चलते हैं, और इसके ऊपर भी हमको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं दोस्तों। हम और ऊपर चलते हैं, आपको और ऊपर ले जा रहे हैं दोस्तों। इस समय हम महल के सबसे टॉप फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना दूर तक हमारा यह विशाल छतरपुर का महल फैला हुआ है। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखिए कितनी सुंदर छटा बिखेरता यह महल। मुझे तो आज आनंद आ गया, मैंने आज तक अपने छतरपुर का महल नहीं घूमा था। मेरे साथ चाचा जी भी हैं, रामकृपाल चाचा आपको दिखाई दिए होंगे दोस्तों। आप देखिएगा कितना सुंदर सामने की ओर गुंबद, और यह इस समय पर मैं टॉप लेवल की छत पर हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, सामने आपको विशाल तालाब दिखाई दे रहा है जिसका नाम है प्रताप सागर तालाब, जिसको महाराजा प्रताप सिंह जूदेव ने बनवाया था। सामने देखिए बीचों बीच शंकर जी विराजमान है हमारे तालाब के, प्रताप सागर तालाब जिसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं। कितना सुंदर यह दृश्य जो टॉप फ्लोर पर हम इस समय पर हैं दोस्तों। देखिए यह खिड़कियाँ, मैंने आपको बताया पहले के समय लाइट नहीं हुआ करती थी तो खिड़कियों का विशेष ध्यान दिया जाता। दोस्तों आप देखिएगा यह वही खिड़की है, इस समय हम टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हैं। यह वही हॉल है जहां पर राजा महाराजा छतरपुर के अपना दरबार लगाते थे। आप देखिएगा
वही हॉल है जहां हमने आपको पहली बार प्रवेश होते ही दिखाया था, और हम ऊपर से भी इस हॉल को देख रहे हैं। यह रोशनदान से दोस्तों आप देखिएगा कितने सारे रोशनदान लगातार बने हुए हैं, और कितना सुंदर आर्किटेक्चर हमको दिखाई दे रहा है उस समय का। आज हम चूँकि 20वीं शताब्दी में 2021वीं शताब्दी में हैं, और हम ऊपर की ओर चलते हैं। आप देखो लैन से कुछ गुंबद बने हुए हैं जो यहाँ की सुंदरता बिखेर रहे हैं। आप देखिएगा यह अशोक का पेड़ जो हमने आंगन में देखा, ये छोंकर भी का पेड़ दिखाई दे रहा है, और सामने एक गुंबद दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य हमारे छतरपुर महल का, और आपको मैं साथ में लाया हुआ हूँ, छतरपुर का महल घुमा रहा हूँ। कितना मज़ा आ रहा, कितना अच्छा दिन, आज का ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन में आज का, कि मैंने आज छतरपुर का महल घूमा है। और देखिएगा बगल में की ओर पीछे की ओर भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, मैं टॉप लेवल पर बैठा हूँगा। दोस्तों आज तो आनंद आ गया इतना अच्छा छतरपुर का ऐतिहासिक महल देखने में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब चलते हैं हम नीचे की ओर। दोस्तों हम आशा करते हैं छतरपुर का महल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग्स पर, गौरव पांडे ब्लॉग्स पर। आप सबको सादर वंदे मातरम।